ਅਸਵੀਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਬੀਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨੇ, ਬੰਬੀਹਾ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के करीब एक वारदात हुई थी, जिसमें कंट्रोल रूम पे इतला आई थी कि कुछ बंदे हैं जो बंदूक की नोक पे लोगों से जो है लुटखो करते हैं। तो इस सिलसिले में जो है कैंट थाने की पुलिस की तरफ से और बाकी थानों की तरफ से जो है नाके लगाए गए थे। जो नाका कैंट थाने ने लगाया था उस पर इनको रोका गया। जब रोक करके पूछगिछ की, इनको उतरने के लिए बोला गया तो ये गाड़ी से नहीं उतरे, इन्होंने गाड़ी वहां से मौके से भगा ली। उस सिलसिले में एक वेपन जो है हमारा जो संतरी था कैंट थाने का, उसका स्नैच हुआ था। उस सिलसिले में एक पर्चा दर्ज हुआ था 104 नंबर, जिसमें 395, 307, 332, 353, 186 IPC लगाई गई थी। अननोन बंदों पे पर्चा दर्ज हुआ था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें 5 बंदे आइडेंटिफाई हुए, जिसमें से 3 बंदे जो थे वो दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ में वहाँ पर गिरफ्तार किए गए। और जो 2 बंदे थे, एक हरमनप्रीत और एक विशाल उर्फ लाला, ये 2 बंदे जो है बठिंडा में हमने गिरफ्तार किए हैं। इन पे पहले भी मामले दर्ज हैं, लड़ाई झगड़े के हैं, 308 के, 458 के और बाकी और भी NDPS के भी पर्चे इन पे दर्ज हैं वक्रे वक्रे। और ये केस वार हैं, एक दूसरे के साथ में होकर के गैंग बना करके लड़ाई झगड़ा करते थे। इन सब में से एक बंदा जो विशाल और फुलाला है, इसका कनेक्शन जो है वो बिहार गैंग के साथ आ रहा है, जो कि बठिंडा पुलिस ने बठिंडा में ही गिरफ्तार किया है। शुरुआत में इनकी किसी गैंग के साथ में कोई एसोसिएशन सामने नहीं आई थी, बट इनके पास से 3 वेपन जो बरामद हुए हैं उनकी लिंकेजेस में ये सामने आ रहा है कि ये बंबिया गैंग के साथ में एसोसिएटेड था।